गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज के हिंदी पीरियड में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, गए पीरियड में हमने हमारे टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 2 वर्षा लेसन में जो कविता है वो हमने सीखी। उस कविता में हमने देखा कि बारिश हो रही है और वर्षा उस गिरते हुए बारिश में भीग रहे हैं। आसमान में मेघ गरजता है, बादल गरजते हैं और मोर नाचता है। मेढक टर टर करके आवाज करता है और हमें बताता है कि मुझे डर नहीं लगता है। सारे तालाब तलैया पूरे भर गए हैं और लड़कियां कैसी नाच रही है ताता थैया। चलो एक बार हम ये कविता फिर से सुनेंगे। बरसा पानी झम झम झम, खेले आओ मिलकर हम। मेघ गरजता घम घम घम, मोर नाचता छम छम छम। बरसा पानी झम झम झम, खेले आओ मिलकर हम। मेघ गरजता घम घम घम, मोर नाचता छम छम छम। मेढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर। भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे मिल ताता थैया। मेढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर। भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे मिल ताता थैया। देखो ये वर्षा कविता में, वर्षा लेसन में ये कविता थी जो हमने पहले पीरियड में सीखी है। आज उसी वर्षा लेसन में एक स्टोरी है, कहानी है, वो हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पर दिया है सुनो और समझो। कहानी यानी स्टोरी सुनो और दोहराओ। दोहराना मीन्स रिपीट करना। सुनो मीन्स टू लिसन। समझो, समझो में मतलब उसमें क्या है, उसका क्या मीनिंग है लेसन का, वो हमें समझना है और हमें दोहराना है। मीन्स वी हैव टू रिपीट, हमें रिपीट करना है। देखो 4 वर्ष पहले की बात है। रोहन, गुरमीत, मारिया, हमीद गांव के बाहर बैठे थे। एकाएक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे। बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर पानी भर गया। वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागज की नावों को पानी में छोड़ने लगे। इतने में जोर की बिजली कड़की। हमीद फिसल कर गिर गया। गुरमीत चिल्ला पड़ा। चरवाहा डर कर पेड़ से सट कर खड़ा हो गया। उसी रास्ते से छाता लिए दीनानाथ जी सोहन के साथ जा रहे थे। उन्होंने चरवाहे को समझाया कि बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, बिजली गिरने का डर रहता है। दीनानाथ जी का कहना मानकर वह पेड़ के नीचे से हट गया। तभी उसी पेड़ पर कड़कड़ाते हुए बिजली गिरी। पेड़ टूट कर गिर गया। बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। चरवाहे ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा। सभी अपने अपने घर चले गए। समझ गया ये लेसन? चलो फिर से एक बार रीड करते हैं।
चार वर्ष पहले की बात है, रोहन, गुरमीत, मारिया, हमीद गांव के बाहर बैठे थे। एकाएक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे, बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई, चारों ओर पानी भर गया। वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागज की नावों को पानी में छोड़ने लगे। इतने में जोर की बिजली कड़की, हमीद फिसल कर गिर गया। गुरमीत चिल्ला पड़ा, चरवाहा डर कर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया। उसी रास्ते से छाता लिए दीनाना जी सोहन के साथ जा रहे थे। उन्होंने चरवाहे को समझाया कि बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, बिजली गिरने का डर रहता है। दीनाना जी का कहना मानकर वह पेड़ के नीचे से हट गया। तभी उसी पेड़ पर कड़कड़ाते हुए बिजली गिरी, पेड़ टूटकर गिर गया। बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। चरवाहे ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा। सभी अपने अपने घर चले गए। देखो बच्चों, ये एक कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें कुछ तो बता रही है, हमें कुछ तो मैसेज दे रही है। अभी दो बार ये लेसन मैंने पढ़ने के बाद आपके समझ में आया होगा कि इस लेसन में हमें क्या बताया है। हम लोग जब बारिश होती है तभी हम लोग बहुत खुश होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भीगते पानी में, गिरते बारिश में हम लोग भीगते हैं, नाचते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन ये सब करते करते हमें किस प्रकार से खुद का ख्याल रखना है, किस प्रकार से हमारी जान बचानी है, ये इस लेसन में दिया गया है। चलो अभी हम लोग इस लेसन का मीनिंग जानेंगे। चार वर्ष पहले की बात है। चार वर्ष पहले मीन्स चार साल पहले की बात है। ये जो बात है, ये जो कहानी है, ये चार साल पुरानी है। तभी क्या हुआ था, देखो, रोहन, गुरमीत, मारिया और हमीद कौन कौन थे, देखो, रोहन, गुरमीत, मारिया और हमीद, ये चार बच्चे। अभी इसमें एक लड़की है, मारिया एक लड़की है, और रोहन, गुरमीत और हमीद तीन बच्चे हैं। एक लड़की और तीन लड़के, ऐसे चार बच्चे गांव के बाहर बैठे थे। कहाँ बैठे थे, गांव के बाहर, गांव से दूर अलग बैठे थे। एकाएक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे और अचानक सडनली आसमान में क्लाउड्स, बादल गड़गड़ाने लगे यानी बादल का आवाज चालू होने लगा, थंडर्स, बादल का गड़गड़ाना मीन्स थंडर्स। तो अचानक आसमान में बादल का आवाज चालू हो गया, बादल गड़गड़ाने लगे और बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई। तेज, हेवीली वर्षा, बारिश, बहुत तेज से बारिश शुरू हो गई और फिर जल्दी ही चारों ओर पानी भर गया। सभी जगह पानी ही पानी दिखाई दिया क्योंकि बारिश जोर से, हेवीली रेन स्टार्टेड, तो सभी चारों ओर पानी ही पानी भर गया। फिर वर्षा थमने के बाद, कुछ समय के बाद वर्षा रुक गई, बारिश रुक गई और मारिया और रोहन कागज की नावों को पानी में छोड़ने लगे। अभी यहाँ पे देखो, ये है मारिया और ये है रोहन। अभी देखो यहाँ पर पानी बह रहा है, ये गांव है, यहाँ पे देखो घर दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे है, ये नारियल का पेड़ है,
दूर पर पहाड़ दिखाई दे रही है और देखो सब खाली जमीन है, घास दिखाई दे रहा है और यहाँ जो पानी बह रहा है उस पानी में मारिया और रोहन ने क्या किया, कागज की नाव, पेपर की बोट बना के उन्होंने बहते पानी में छोड़ दी। इतने में जोर से बिजली कड़की। यहाँ पे देखो बच्चों, ये आसमान में ये जो दिखाई देती है ना, यही बिजली है। जब हम लाइटनिंग होती है, हम आसमान में देखेंगे ना, तभी इसी प्रकार से बिजली हमें दिखाई देती है। जब बादल गरजते हैं तो बादल गरजने का आवाज होता है, हमें थंडर्स का आवाज सुनाई देता है, लेकिन थंडर्स का आवाज होने के बाद कुछ समय में बिजली भी कड़कती है, बिजली भी हमें दिखाई देती है। और जैसे ही जोर से बिजली कड़की, तभी क्या हुआ, हमीद डर गया। यहाँ पे देखो ये लड़का हमीद गिर गया है क्योंकि वो डर गया। बच्चों कभी कभी ऐसा ही होता है कि बहुत तेज से बादल कड़ी होते हैं, थंडर्स, बादल गड़गड़ाते हैं, बादल गरजते बहुत तेज थे, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ही ये सब हिल रहा है, धरती हिल रही है, ऐसे जोर से बादल गरजते हैं और बिजली भी उतनी ही जोर से कड़कती है। लेकिन देखो बच्चों, पहले हमेशा बिजली हमें कड़कड़ाती हुई दिखाई देती है और फिर कुछ समय के बाद बादलों का भी गरजने का आवाज होता है। जितनी बिजली तेज कड़कती है उतनी ही बादल गरजने की आवाज भी ज्यादा होती है। तो जब तेज बिजली कड़की, हमीद गिर गया, वो डर गया एक्चुअली, और डरने के कारण वो फिसल के, नीचे पानी था ना, शायद वो बहते पानी में नाच रहा होगा। जब भी बारिश होती है तभी जमीन स्लिपी होती है, और जब हम तभी केयरलेसली, जब हम लोग अपनी धुन में रहते हैं और हम लोग नाचने लगते हैं, तभी कभी कभी हमें डरने गिरने का डर रहता है, फिसलने का डर रहता है। और इसी प्रकार से हमीद, यहाँ पे हमीद गिर गया क्योंकि बिजली कड़की, तभी वो डर गया और डर के कारण वो गिर गया। और उसके पास ये जो खड़ा है, ये है गुरमीत, ये है हमीद, ये है गुरमीत। और हमीद के गिरते ही गुरमीत चिल्लाया, अपने दोस्त को गिरते हुए देखकर गुरमीत चिल्लाया। एक चरवाहा, चरवाहा मतलब देखो उसके पास बकरी है और ये है गाय, शेफर्ड, जो खेत में अपने बकरी और गाय को घास चरने को लेके गया था, ये शेफर्ड है। जैसे ही बिजली चमकी, जोर से लाइटनिंग हुई ना, ये चरवाहा, ये जो शेफर्ड है, ये पेड़ को एकदम सट कर यानी चिपक के खड़ा हो गया। बारिश भी हो गई, बिजली भी कड़कने लगी, बादल भी गरजने लगे, इसलिए ये चरवाहा शेफर्ड पेड़ के नीचे सपोर्ट के लिए चिपक पेड़ को चिपक के खड़ा हो गया। और उसी समय रास्ते से एक दीनानाथ जी आ रहे थे। दीनानाथ जी, ये जो इंसान है, ये अपने सोहन के साथ, उसके साथ ये दीनानाथ है, उनके पास ये छाता है और ये उनके पास ये छोटा लड़का है, उसका नाम है सोहन। सोहन और दीनानाथ उसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ पे चरवाहा पेड़ के नीचे पेड़ को चिपक कर खड़े थे। तभी दीनानाथ ने, दीनानाथ पढ़े लिखे थे, समझदार थे, दीनानाथ जी ने चरवाहे को कहा कि बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहना है,
ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी शुड नॉट स्टैंड नियर द ट्री, हमें पेड़ के नीचे बारिश के मौसम में नहीं खड़े रहना चाहिए क्योंकि तभी बिजली गिरने का डर रहता है आसमान में जो भी। देखो बच्चों, हम लोग बारिश के मौसम में बिजली हम लोग देखते हैं, जब वो बिजली कड़कती है ना, जब बिजली कड़कती है तो वो कहीं पर तो गिरती है, कभी जमीन पे गिरती है, कभी पानी में गिरती है, कभी पेड़ पौधे पे गिरती है, कभी कभी तो मकान में भी गिरती है, मकान पर भी गिरती है। और इसीलिए दीनानाथ जी को ये मालूम था। दीनानाथ जी ने शेफर्ड को, चरवाहे को कहा कि पेड़ के नीचे से हट जाओ, दूर हो जाओ, क्योंकि बिजली कड़कने का, बिजली गिरने का डर रहता है। चरवाहे ने तुरंत दीनानाथ जी का कहना सुना। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, अरे इनको क्या मालूम है, पेड़ के नीचे खड़े होते तो कुछ नहीं होता है, ऐसा चरवाहे ने बिल्कुल नहीं सोचा। तो चरवाहे ने दीनानाथ जी का कहना माना, सुना, और क्या किया, तुरंत वो पेड़ के नीचे से हट गए। वो क्या किया, दीनानाथ जी का कहना मानकर वो तुरंत पेड़ के नीचे से हट गए, दूर हो गए पेड़ के बाजू से। और उसी समय पेड़ पर कड़कड़ाते हुए बिजली गिरी, जैसा दीनानाथ जी ने कहा था ना, वैसे ही हो गया। पेड़ से, आसमान से बिजली गिरी जो पेड़ पर गिर गई और पेड़ बीचों बीच में टूट गया, पेड़ टूट गया और टूटकर गिर गया। देखो बच्चों, यदि चरवाहे ने दीनानाथ जी का कहना नहीं माना होता तो पेड़ पर बिजली गिरी तो दीनानाथ भी उसमें, दीनानाथ को भी खतरा था ना, सॉरी शेफर्ड को, चरवाहे को भी खतरा था, लेकिन दीनानाथ जी का कहना माना इसलिए चरवाहे की जान बच गई, क्योंकि उन्होंने दीनानाथ जी का कहना माना। चरवाहे ने, शेफर्ड ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा, थैंक्स कहा, और फिर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। तो देखो बच्चों, ये कहानी सुनने को भी अच्छी है और हमें इस कहानी में सीख भी मिलती है। तो क्या आपको समझ में आया ये स्टोरी? चलो मैं फिर से एक बार ये स्टोरी आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ कि कुछ साल पहले, 4 साल पहले की बात है, रोहन, गुरमीत, मारिया और हमीद 4 बच्चे गांव के बाहर बैठे हुए थे और अचानक आसमान से बादल गड़गड़ाने लगे, बादल गरजने लगे और कुछ ही समय में तेज वर्षा शुरू हो गई, चारों ओर पानी भर गया। वर्षा रुकने के बाद मारिया और रोहन ने क्या किया कि कागज की नाव बनाई और बहते पानी में छोड़ दी, वो खेलने लगे। और इतने में जोर से बिजली कड़की, बिजली कड़कते ही हमीद डर गया, हमीद डर गया और फिसल के गिर गया। गुरमीत, उसका दोस्त उसके बाजू में था, वो चिल्ला पड़ा, वो भी डर गया। देखो उसी समय एक चरवाहा, एक शेफर्ड अपनी गाय और बकरी को लेकर खेत में गया था, लेकिन जैसे ही बारिश हो गई, चालू हो गई, बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, तभी वो भी डर गए और पेड़ को चिपक के खड़े हो गए। लेकिन तभी उसी समय दीनानाथ जी, जो पढ़े लिखे थे ना, वो सोहन के साथ आ रहे थे। उन्होंने चरवाहे को बताया कि जब भी बिजली कड़कती है ना,
तभी हमें कभी भी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेड़ पर बिजली गिरने का डर रहता है। दीनानाथ जी का कहना चरवाहे ने माना और वो उसी समय पेड़ से दूर हो गए। और तभी बिजली कड़कड़ाते हुए पेड़ पर गिरी। जिस पेड़ के नीचे चरवाहा खड़ा था, अपने गाय और बकरी के साथ उसी पेड़ पर बिजली गिरी और पेड़ टूट गया। दीनानाथ जी का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। बड़ों का कहना मानने का फायदा चरवाहे को हुआ और चरवाहे की जान बच गई और सभी जन अपने अपने घर चले गए। तो देखो बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई? यस, बहुत इजी है। इस कहानी पे हम लोग थोड़ा सा अपना नोट्स कंप्लीट करेंगे। अभी देखो वर्षा, एक्चुअली इसका मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर से हम लोग एक बार मीनिंग जानेंगे। देखो वर्षा का मतलब ईयर, वर्षा का मतलब है साल, बादल यानी क्लाउड्स, बिजली लाइटनिंग, फिसलना मतलब टू स्लिप, चरवाहा यानी शेफर्ड। समान वर्ण के नीचे रेखा खींचो, सेम लेटर के नीचे अंडरलाइन करो। देखो झम हम, झम हम, तो दो कौन से सेम लेटर्स है, म, म यहां पर भी है और यहां पर है, तो म के नीचे अंडरलाइन करना है। भर मोर, भर मोर, र र। लगता ताल, लगता ताल, ता ता दोनों वर्ड में है तो उसको अंडरलाइन। टर डर, टर डर, र र। बरसा अब, बरसा अब, दोनों अक्षर में, दोनों शब्द में कौन सा कॉमन अक्षर है, लेटर ब, तो देखो ब के नीचे रेखा है। अभी देखो इस वर्षा लेसन पर आधारित जो चित्र है उसके हम लोग वो चित्र निकाल के उनका नाम लिखेंगे। देखो क्वेश्चन है चित्र निकाल कर नाम लिखो। अब ये है छाता, छाता का मतलब है छतरी, आपको मालूम है वर्षा से हमें बचाना है तो हम लोग छतरी यूज करते हैं। यहाँ पे है कमल, कमल अपना राष्ट्रीय फूल है जो कहाँ उगता है, पानी में उगता है, तालाब में तलैया में कमल उगता है। और यहाँ पे है नाव, ये कागज की नाव है, छोटे बच्चे कागज की नाव बनाकर बहते हुए पानी में छोड़ते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारा वर्षा लेसन की कविता जो हमने प्रीवियस लेसन पीरियड में पढ़ी है, और ये लेसन में हम लोगों ने वर्षा लेसन में हम लोगों ने वर्षा लेसन पे कहानी भी सीखी। तो यहाँ पे हमारा वर्षा लेसन यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।